हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और सनसेट हो चुका है और हम लोग इस वक्त अभी हमारा जो स्टे है उसके टेरेस पे खड़े हैं। और यहाँ से जो भाई व्यू है ना, नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल। साइलेंस है पूरा, साइलेंस देखो, मतलब आप फील करोगे ना, एक स्कैरी सा फील आएगा यहाँ पर। हमारे बाकी दोस्त जो है वो नाइट ट्रैकिंग के लिए गए इस तरह के जंगल में, अब उनको आने में टाइम लगेगा। और इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, अमित भाई है और उनकी मैसेज है। हम लोग 3 लोग ही हमारे स्टे पे रुके हुए, क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रैकिंग कर लिया है जो हम डे में गए थे, जो आपने वीडियो में ऑलरेडी देखा होगा। सो अभी देखिए, ये सनसेट ऑलरेडी हो चुका है और अभी अलग अलग जानवरों की आवाज़ें आने लगी है। अमित भाई, आपको क्या सुनाई दे रहा है यहाँ पे? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आवाज़ आ रही थी। ऐसा हॉप अप की आवाज़ आ रही थी, राइट? हाँ हाँ, और मोर वगैरह की बहुत सारी आवाज़ आ रही है यहाँ हाँ पे, क्योंकि अब ये जो कॉलिंग हो रही है ना वाइल्ड एनिमल्स की, ये मोमेंट का टाइम है। तो अभी इस वक्त या तो फिर लेपर्ड या फिर लायन ज़रूर होगी, 100% मूविंग होगी। ये देखिए हमारे टेरेस का, ये टेरेस का एरिया है और टेरेस के जस्ट पीछे की साइड ये देखिए पूरा गिर फॉरेस्ट है। नीचे भी दिखा देते, देखिए कुछ बाउंड्री बाउंड्री नहीं, बस ये नीचे इतना सा जाले का एक फेंसिंग बना हुआ है। और ये देखिए अलग अलग रूम्स बने हुए हैं सामने, देखिए पूरा फेंसिंग से कवर, एक टेरेस भी है। हमारा प्लान है कि हम लोग वहाँ सोएंगे आज, राइट? और ये देखिए नीचे पूरा कॉम्प्लेक्स ही है हमारा, पीछे वापस फॉरेस्ट, ये तरफ भी फॉरेस्ट, और बस ये इतना सा एरिया है जो जंगल के बीच में है। उसके बाद पीछे देखिए पूरा डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ से गेट के बाहर निकलने की कोई नहीं सोच सकता, इतना स्कैरी हो गया। और अभी सिर्फ 6:30 बजे, ये हमारे भाई साहब है जो केयर टेकर है इस एरिया के। इजंट इट स्कैरी? It's very scary. या Yeah. लिटिल स्कैरी नाउ? Yeah, what to do? We are लेट्स सी इन द so मिडनाइट, afraid. Yeah, we'll see the middle of the night. What's there, what's not. होपिंग Jugnus सो। also we'll see. या जुगनूज आ गया, अपने जुगनू भी देख जाएंगे आपको थोड़ी देर, Yeah, we'll see थोड़ा सा Jugnus. और अंधेरा होने दीजिए, अभी तो जस्ट सनसेट हुआ है। और एक बात मुझे कहनी पड़ेगी, इस जगह में जो खाना है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल का खाना है, आपको ऐसा खाना कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी खाना था, हमने जब सुबह ब्रेकफास्ट किया तब भी बहुत अच्छा लगा, फिर हमने ट्रैकिंग करने के बाद हमने जब यहाँ पे लंच किया वो भी बहुत अच्छा था। इनका किचन है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। और ये देखिए लाइटें वाइटें इन लोगों ने स्टार्ट कर दी है, और इन लोगों का कहना है कि ऑलमोस्ट हर रोज़ जो लायन है वो यहाँ तक आ ही जाता है, और आप इस रूम से बाहर भी नहीं निकल सकते। इस रूम से बाहर यानी रात को 11-12 बजे के बाद निकलना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है? हालांकि सब जगह जाली वाली लगी हुई है, ये देखिए छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है, फिर साइड फेंसिंग है, पीछे पूरा खेत है। तो टाइगर यहाँ से भी आ सकता है और ये सामने से भी आ सकता है। और पीछे से, पीछे देखिए अमित भाई अकेले खड़े हो उस जगह पे। अमित भाई फील कर रहे हो? ये सो आई क्या ये लोग बच्चे? दोस्तों हम, ये हमारे बाकी दोस्त भी आ गए ट्रक करके, ये लोग बाइक पे गए थे, यहाँ से बाइक इन्होंने हायर किया था। रात के 9 बज चुके हैं और अभी डिनर का टाइम हो गया, तो हम लोग यहाँ डिनर कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा, हम लोग यहाँ थोड़ी देर पहले क्रिकेट खेल रहे थे और डिनर के लिए ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। हम लोग वहाँ पे बैठते हैं, पूरा डेंस फॉरेस्ट है, अभी वहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ खेल रहे थे। ये अभी हम थोड़ी देर पहले आपको ऊपर से दिखाया, जो लायन का जो स्पॉट हुआ वो वहाँ से हमने देखा था, पूरा सिक्योरिटी पैक्ड है। और आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ से सी का आना जाना लगा रहता है, रात को किसी भी टाइम आ सकता है। वहाँ से भी रास्ता खुला रहेगा और यहाँ से भी रास्ता उसके लिए ओपन है। और ये हमारा कैंटीन वगैरह, डिनर वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद में देखते क्या करते हैं। हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे बॉन फायरिंग करने का, बॉन फायर इस जगह पे। चलिए कुछ खा लेते हैं। गाइस, रात काफ़ी हो गई है और बॉन फायर जग चुका है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। बॉन फायर करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, वरना सो जाएंगे, क्योंकि जंगली जानवरों की आवाज़ें बहुत आ रही है।
बॉन्ड होते हैं लोगों ने। गुजराती कंफर्टेबल ये नहीं है हिंदी। हाँ तो उन लोगों का बॉन्ड ऐसा बहुत तगड़ा था ऐसा रिलेशन का दोनों का, और वो एक ही प्लेस पे आके मिलते थे दोनों। जैसा कि वो हाईवे, एक दिन लड़का इस तरफ खड़ा रहा अपनी बाइक लेके, और लड़की सामने से हाईवे क्रॉस करके आ रही है और ट्रक वाले ने उसको उड़ा दिया, वो ऑन स्पॉट वो लड़की हो गई डेड। दोस्तों यहाँ पे अभी लायन का जो रोर है वो सुनाई दिया है, तो हमारे जो केयर टेकर भाई है वो अभी टॉर्च लेके वहाँ दौड़ा ऊपर की तरफ, और अगर वो इशारा करेगा तो हम लोग जाएंगे आगे। बाकी जो रोर था ना बहुत खतरनाक वाला था भाई, ये देखिए भाई टॉर्च दिखाओ इधर, टॉर्च टॉर्च चालू करो, ये देखो भाई ये टॉर्च लगाइए भाई, भाई दिखे तो बुलाना छे भाई, एटला तो गयो जोवा, ये जोवा गयो जो आवाज आई छे लिटरली, रोर नो आवाज छे, रोर नो आवाज छे पाछळ भाई। अभी लायन का रोर सुनाई दिया भाई, भाई भाई अभी लायन का रोर सुनाई दिया, लेपर्ड नहीं भी थी सर। Oh, my God.